लड़कियां भाव खा रही हैं, लड़के धोखा खा रहे हैं, पुलिस रिश्वत खा रही है, नेता माल खा रहे हैं, किसान जहर खा रहा है और जवान गोली खा रहा है। कौन कहता है कि भारत भूखा मर रहा है? कौन कहता है कि भारत भूखा मर रहा है? झाड़ू वाला मुख्यमंत्री है, चाय वाला प्रधानमंत्री, 12वीं पास देश की शिक्षा मंत्री है, अंगूठा टेक सरपंच, और हम ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले फेसबुक व्हाट्सएप पर ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं। अकेला आदमी परिवर्तन लाता है, शादीशुदा सब्जी लाता है। जिनको हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं, चाहे बीबी हो या नेता, दोनों कहां सुनते हैं। बुद्धि का उपयोग करने वाले जापान में 603 किमी घंटा रफ्तार वाली ट्रेन के बाद 7G की सेटिंग शुरू हो चुकी है, और इंडिया में पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप पर 11 लोगों को ओम नमः शिवाय भेजकर फ्री वैलेंस और चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। और तो और नहीं भेजा तो अप्रिय घटना की चेतावनी भी दे रहे हैं। अगरबत्ती दो प्रकार की होती है, एक भगवान के लिए और एक मच्छर के लिए। तकलीफ यह है कि भगवान आते नहीं, हर मच्छर कभी जाते नहीं। पेट खाली है और योग करवाया जा रहा है, जेब खाली है और खाता खुलवाया जा रहा है, रहने का घर नहीं और शौचालय बनवा जा रहा है, गांव में बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बन रहा है, कंपनियां सारी विदेशी, मेक इन इंडिया कर रहा है, जाति की गंदगी दिमाग में है और स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आटा दिनों दिन महंगा हो रहा है और डाटा सस्ता कर रहे हैं। सचमुच देश बदल रहा है, सचमुच देश बदल रहा है। दोस्तों, एक सच्ची भारतीय होने के नाते उसको बहुत शेयर करो और हर भारतीयों को जगाओ। जय हिंद, जय भारत।